नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। ये देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस ऑब्जर्वर पद से दिया इस्तीफा। हालांकि कांग्रेस हाईकमान लेगी इस पर अंतिम फैसला। अब कांग्रेस विधायक दल की बैठक में किया जा सकता है नए नेता का चुनाव। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की हार के बाद हिमाचल की सुक्खू सरकार पर मंडराने लगे हैं संकट के बादल। क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 विधायकों के बाद राज्य के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुलंद किया बगावत का झंडा। उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा देते हुए कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर लगाए गंभीर आरोप। हिमाचल की सुक्खू सरकार से इस्तीफा देते समय भर्राई गले और आंखों में आंसू लिए विक्रमादित्य ने एक शेर पढ़कर बयां कर दिया अपना दर्द। अपने पिता को याद करते हुए कहा, कितना बदनसीब, जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुए यार में। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि विक्रमादित्य सिंह के समर्थन में है कुल 15 विधायक। कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए दिया बड़ा बयान। कहा, जो सनातन के खिलाफ है कांग्रेस पार्टी दे रही है उसका साथ। आचार्य प्रमोद ने कहा कि जैसा हिमाचल प्रदेश में हो रहा है वैसे ही अन्य जगहों पर भी देखने को मिलेगा। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर के आजाद नगर इलाके में आग की घटना से मचा हड़कंप। झुग्गियों में लगी भीषण आग को बुझाने में जुटी दमकल की 24 गाड़ियां। आग बुझाने में जुटे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के 4 दमकल कर्मी घायल। मनपा कमिश्नर संजय काटकर ने दी जानकारी। भाईंदर के गोल्डन नेस्ट सर्किल के पास स्थित आजाद नगर में सुबह 5 बजे लगी आग, जिस पर काबू पाने के लिए मुंबई, ठाणे, वसई, विरार और मीरा भाईंदर नगर पालिका की 24 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग की इस घटना में बड़े पैमाने पर घर के सामान जलकर खाक, एक व्यक्ति की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस और मनपा प्रशासन। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सुबह सुबह हुआ बड़ा सड़क हादसा। दरअसल बुधवार तड़के सेंट्रल एवेन्यू पर मोहम्मद अली पार्क के पास अचानक पलट गया तेल से भरा एक टैंकर, जिसके पलटते ही उसमें रखे तेल में लग गई भीषण आग। आग की चपेट में आने से टैंकर चालक की झुलसकर हुई दर्दनाक मौत। सरकारी अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने में एक आंख के लिए लगते हैं तकरीबन 10,000 रुपए, जबकि निजी अस्पताल में ये खर्च बढ़कर हो जाता है 30,000 से 1,40,000 रुपए तक। सुप्रीम कोर्ट ने इस असमानता पर व्यक्त की अपनी चिंता। केंद्र सरकार को 14 साल पुराने कानून को लागू करने में नाकाम रहने पर लगाई कड़ी फटकार। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल इलाके में खदान में चट्टान का एक हिस्सा धंसने से 4 मजदूरों की मौत। किरंदुल पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया मामला। जांच में जुटी पुलिस। दंतेवाड़ा के डीएम मयंक चतुर्वेदी ने दी जानकारी। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब राज्यसभा में भी अपने दम पर पहुंच चुकी है बहुमत के काफी करीब। अप्रैल महीने में खाली होने वाली 56 राज्यसभा सीटों में से बीजेपी ने 30 सीटों पर हासिल की है अप्रत्याशित जीत। इसमें से 20 चुने गए निर्विरोध, वहीं वोटिंग से 10 सीटों पर हासिल हुई जीत। संसद का उच्च सदन होता है 240 सांसदों की ताकत। बहुमत के लिए किसी भी दल या गठबंधन को 121 सांसदों का चाहिए होता है समर्थन। एनडीए के पास यह संख्या हो चुकी है 117, जो बहुमत से सिर्फ 4 संख्या दूर। मुंबई से सटे मीरा रोड में भड़काऊ भाषण के आरोपों का सामना कर रहे भाजपा विधायक टी राजा सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें। एआईएमआईएम की नेता रिजवाना खान ने भाजपा विधायक के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के लिए की एफआईआर दर्ज करने की मांग। रिजवाना खान ने मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के जोन 1 डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ को दी लिखित शिकायत। पूर्व सांसद जयाप्रदा आचार संहिता उल्लंघन के 2 मामलों में कोर्ट में नहीं हुई पेश, जिसके बाद सख्त रुख अख्तियार करते हुए अदालत ने उन्हें घोषित किया भगोड़ा। जयाप्रदा के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत हुई कार्रवाई। अब 6 मार्च को होगी इस मामले की अगली सुनवाई। मुंबई से सटे नवी मुंबई इलाके में पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं नेटवर लाल। भारतीय रुपए के बदले विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराने के बहाने 37 वर्षीय एक व्यक्ति के साथ हुई 60,000 रुपए की ठगी। जांच के बाद नवी मुंबई पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार झारखंड के रहने वाले हैं सभी गिरफ्तार आरोपी। मोहाली में एक जानलेवा हमले में बाल बाल बच गए दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला के करीबी और पंजाबी कंपोजर व सिंगर बंटी बैंस। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के मोहाली सेक्टर 79 के एक रेस्टोरेंट में मौजूद थे बंटी बैंस, उस पर किया गया हत्या का प्रयास। शुक्र इस बात का रहा कि इस फायरिंग की वारदात में बाल बाल बच गए सिंगर बंटी। मशहूर सिंगर और सिद्धू मूसेवाला के करीबी बंटी पर फायरिंग करने के बाद उसे आया धमकी भरा कॉल, जिसमें उनसे मांगी गई 1 करोड़ रुपए की फिरौती। बंटी की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की अपनी जांच। एक रिपोर्ट के मुताबिक बंटी बैंस को यह धमकी लक्की पटियाल से मिली, जो बताया जा रहा है कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य।
मुंबई सेशंस कोर्ट ने मंगलवार को 3 महीने की बच्ची के साथ यौन शोषण के आरोप में दोषी पाए गए ट्रांसजेंडर को सुनाई फांसी की सजा। दरअसल ये पहला ऐसा मौका है जब कोर्ट ने किसी ट्रांसजेंडर को सजाए मौत की सुनाई हो सजा, जबकि एक आरोपी को इस मामले में किया गया बरी। फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि नवजात बच्ची के रेप, हत्या और अपहरण के साथ पॉक्सो एक्ट के इस दोषी को तब तक फांसी पर लटका कर रखा जाए जब तक इसकी मौत न हो जाए। मराठा आंदोलनकारी मनोज चरंगे पाटिल के आरोपों पर भाजपा विधायक आशीष शेलार का बड़ा बयान, कहा हिंसा भड़काने के लिए उकसाने वाली भाषा का लोकतंत्र में नहीं है कोई स्थान। चरंगे के पीछे किसका हाथ, ये पता लगाने के लिए होनी चाहिए एसआईटी जांच। बजट सत्र के तीसरे दिन विधान भवन के बाहर महाविकास आघाड़ी के नेताओं का हंगामा। फसलों के दाम को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, हाथों में पोस्टर, गाजर और मूली लेकर नारेबाजी करते नजर आए महाविकास आघाड़ी के नेता। मुंबई में पूर्व से पश्चिम को जोड़ने वाले अंधेरी के गोपाल कृष्ण गोखले ब्रिज के उद्घाटन के बाद खुला यातायात के लिए एक लेन। फिलहाल इस पुल पर केवल हल्के वाहनों को मिली है अनुमति। दरअसल अंधेरी का गोखले ब्रिज एक 6 लेन वाला पुल है जो अंधेरी पूर्व में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे को अंधेरी पश्चिम एसवी रोड से जोड़ता है और अंधेरी पश्चिम में ये बर्फी वाला रोड से है जुड़ा। इन दिनों मुंबईकरों को ऐसे मौसम का सामना करना पड़ रहा है जो सुबह रहता है ठंडा और पूरे दिन रहता है गर्म। मौसम विभाग ने बुधवार और गुरुवार को मुंबई में 37 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने का जताया अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्व से आने वाली हवाओं के कारण बुधवार और गुरुवार को अधिकतम तापमान में हो सकती है बढ़ोतरी। इस सप्ताह की शुरुआत में 22 वाटर पंपिंग स्टेशन पर आग लगने के बाद बीएमसी ने पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों समेत शहर में की है 15% पानी की कटौती। मंगलवार यानी 5 मार्च तक जारी रहेगी पानी की ये कटौती। प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग करने और जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने का किया आग्रह। गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रणाली को सामान्य बनाने का बीएमसी का प्रयास जारी। मुंबई के जुहू वर्सोवा लिंक रोड पर सड़क पर खड़ी गाड़ियों पर कार्रवाई करने पहुंचे ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ कुछ लोगों ने मिलकर की मारपीट। वर्सोवा पुलिस स्टेशन में 3 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ आपराधिक मामला। 56 वर्षीय पुलिसकर्मी अजय कुरलेकर की शिकायत के बाद वर्सोवा पुलिस ने शुरू की जांच। फरार आरोपियों की तलाश जारी। अफ्रीकी देश माली में मंगलवार को हुई बस दुर्घटना में 31 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत। जानकारी के मुताबिक यह घटना उस समय हुई जब एक बस नदी पर बने पुल से अचानक नीचे गिरी। बुर्किना फासो जा रही थी बस की सुबह 5 बजे वाहन से हटा ड्राइवर का नियंत्रण, जिसके बाद हुई यह भीषण दुर्घटना। दुनिया में जापान एकमात्र ऐसा देश जहां आज गहराया हुआ है सबसे बड़ा जनसंख्या संकट। जापान में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या में लगातार 8वें साल भी देखने को मिली है भारी गिरावट। दरअसल जापान में लोगों का शादी न करना भी एक बड़ी चिंता का विषय, जो कि 90 साल में ये पहली बार है जब जापान में एक साल में 5 लाख से भी कम हुई है विवाहों की संख्या। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए N24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक बड़ी जानकारी दे दें कि N24 न्यूज अब कई केबल नेटवर्क 7 स्टार के साथ साथ कई OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जिसमें टाटा प्ले स्टोर, जियो टीवी, ई बाबा, डेली हंट, एंड्रॉइड टीवी समेत कई OTT प्लेटफॉर्म हैं जिस पर N24 न्यूज 24 घंटे साल के 365 दिन उपलब्ध हैं। इसके अलावा अब तक यदि YouTube पर आपने N24 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब करें ताकि आपके इलाके की खबर समय रहते आप तक जरूर पहुंचे।